शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। आज की एक और कामयाबी पर मुबारकबाद। कौन? हुजूर, एक ही तो है आपको दिलो जान से चाहने वाला। फुल पसंद आया? ब्यूटीफुल। शट अप। एक मिनट रुकिए, साहब आ गए। भावना मेरे साहब का फोन है। हेलो भावना, कैसी हो? हद कर दी तुमने रवि, कितने दिन लगा दिए। घर पे रहना, मैं अभी आ रही हूँ। नहीं भावना, तुम बताओ, मैं आता हूँ। ओफो, जल्दी आओ, फौरन से पेशतर। रामू, रामू ये तुम्हारी मालकिन है, इन्हें घर दिखाओ, मैं अभी आता हूँ। ये भावना मिल सब कौन है? जी वकील है, बहुत बड़ी वकील है, आपकी दोस्त है। अच्छा, स्वभाव की बहुत अच्छी है। लगता है तुम्हारे हिसाब से ज्यादा तुम्हें पसंद है। सोने को सोना ही कहेंगे मालकिन, पीतल तो नहीं कहेंगे। ठीक कह रहे हो तुम, घर देखे। बाबूजी की मौत के साथ रबीर ने मुझसे एक और मजाक किया। मतलब? मेरी शादी हो गई। कहते ये झूठ है। नहीं भावना, ये सच है। मुझे भी बहुत अफसोस है, लेकिन मैं मजबूर था। कुछ मत बोलो, चले जाओ। भावना, मैं हमेशा हमेशा के लिए, बस भगवान के लिए चले जाओ यहाँ से, प्लीज चले जाओ। क्या बात है डॉक्टर, चुपके हो? बोलो डॉक्टर, मुझे क्या बीमारी है? मैं मौत से नहीं डरती। बात मौत की नहीं है भावना, जिंदगी की है। तुम्हारी कोख में एक नई जिंदगी जन्म ले रही है, तुम मां बनने वाली हो। प्लीज डॉक्टर, प्लीज लीव मी अलोन। जो तुम्हारे लिए वरदान होना चाहिए था वो आज श्राप बन गया। भैया, ये क्या कह रहे हो तुम? ये मेरे पहले प्यार की निशानी है। तुम्हारे प्यार की निशानी तुम्हारे लिए कलंक बन गई है। पहना, इस कलंक को जन्म मत दो। नहीं भैया, नहीं, नहीं। मैं उसे जन्म दूंगी, जरूर दूंगी भैया। मैं उसे अपनी गलती की सजा नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। फिर भी लोग उसके नाम के साथ एक गंदी गाली जोड़ देंगे। बहना, बहना, तुझे जो फैसला करना तू कर, लेकिन एक बार फिर विचार कर ले, प्लीज। स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर की जरूरत है। मैं सोच रही हूँ मैं वो नौकरी कर लूँ, घर का अकेलापन काटने को दौड़ता है। आपकी क्या राय है? मेरी राय लेना जरूरी है क्या? आपका भी तो कोई अधिकार है मुझ पर, अगर आपकी मर्जी ना हो तो मैं। सवेरे बात करना, तुम्हें भी सारी बातें रात को ही सोचती। मुझसे थोड़ी सी बात करना भी आपको बोझ लगता है? सुनो, मैं सोना चाहता हूँ, लाइट बजा दो और तुम भी सो जाओ। जब से यहाँ आई हूँ मैं सो ही तो रही हूँ। Oh hell
तुम लोग तो मुझे पागल कर दोगे। बाहर जाओ तो परेशानी, घर में आओ तो तुम्हारी बकबक। समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, कहां जाऊं। और जब होश संभालने के बाद ये खुद अपने बाप का नाम पूछेगा तो इतिहास गवाह है कि बाप के नाम के बगैर भी कई माओ ने अपने बच्चों को पाल पोस कर मसीहा बना दिया। मैंने कहा ना मुझे माइनों से तुम यही कह रहे हो, बताओ भावना कहाँ है? वरना मैं यहाँ हूँ। भावना, भावना महीनों से मैं भावना की तरह तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, कहाँ थी तुम? मेरे दिन का हिसाब मांगने वाले आप कौन है? तुम मुझसे पूछ रही? जी हाँ, आपसे पूछ रही हूँ मैं कि मेरे ऑफिस में एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर ये गुंडागर्दी क्यों कर रहा है? नहीं नहीं भावना, मैं यहाँ एक पुलिस ऑफिसर की तरह नहीं, मैं तो तुम्हारा अपना रवि बनकर। आप भूल रहे हैं रवि साहब, अपनेपन का वो रिश्ता आप बहुत पहले तोड़ चुके हैं और आज मैं वो कर्ज पूरा किए देती हूँ। ये नहीं आपकी चिट्ठियां जो आज तक आप मुझे लिखते रहे और जिन्हें मैंने खोलकर देखा भी नहीं। अब आप जा सकते हैं। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। जब कोई शरीफ लड़की किसी से बात करना ना चाहे तो आदमी की शराफत इसी में है कि वो जबरदस्ती ना करे। तुमने मेरा हाथ नहीं पकड़ा, शेर की दुम पर हाथ रखा। नहीं साहेब बहादुर, हमने हमेशा शेर को जबड़ों से पकड़ा है। ये मेरा ऑफिस है, मछली बाजार नहीं। अब आपको क्या चाहिए? ओह ब्यूटीफुल, हमारा नाम रवि मल्होत्रा नहीं बजरंग है। हमसे बदतमीजी करके भी तुम सही सलामत हो, इसका मतलब ये नहीं कि हम तुमसे या तुम्हारे कानून से डरते हैं, बल्कि इसलिए कि हमने टूट कर तुमसे प्यार किया है और जिस बुत का हम एक बार सजदा करते हैं उसे हम तोड़ते नहीं बल्कि अपने प्यार की गर्मी से पिघला देते हैं। ये बुत टूट जाएगा, कभी पिघलेगा नहीं, और आईना मेरे ऑफिस में कभी कदम मत रखना। आज के बाद हम नहीं, तुम मेरे दरवाजे पे आओगी। ब्यूटीफुल। मैं तो परेशान हो गई। क्यों, कौन परेशान कर रहा है तुम्हें? अरे वही भोलू के पिताजी, भला और कौन परेशान करेगा मुझे। शराब पीता है क्या? नहीं नहीं, शराब वराब नहीं पीता है, वो तो सब आपका रसिया है। अच्छा, मेरा तो अच्छे कपड़े पहनना ही मुश्किल हो गया बीबी जी। वो क्यों? जब भी नहाए धोए के बढ़िया कपड़े पहनूं, मुराओ भवरे की तरह पीछे पीछे मंडराने लगे हैं। इन पतियों को अगर बस में करना हो ना बीबी जी, तो नहाए धोए के खुशबू लगाए लो।